हाँ धान की खेती हुई है। देखिए कौन से ब्रांड है भाई, चिटाली। तो चलिए एंजॉय करते हैं फूड को मस्त। और टू माय न्यू ब्लॉग, सो बड़ी सभी मुझे भाड़ा लगा है रोहा जाने के लिए, तो मैं अभी फिलहाल कस्टमर लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ, 2 मिनट लगेगा, चलते फट। रोहा फर्स्ट टाइम, वेरी एक्साइटेड ब्रो। लोग अभी CNG भरवा रहे हैं, अभी 4 घंटा अभी और है, 4 घंटा अभी और ट्रेवल करना। तो रोहा गांव में आ चुका हूं और कस्टमर को मैंने ड्रॉप कर दिया है, अभी आपको दिखाते हैं रोहा गांव। भाई एकदम मतलब चढ़ान वाला रास्ता था, आगे जैसे वो मेन हाईवे जो था ना वो छोड़ने के बाद एकदम चढ़ान वाला रास्ता था, ऐसा टर्निंग वाला। स्क्रीनशॉट मारा वो वीडियो में लगाऊंगा जरूर। रोहा गांव दिखाते आप लोगों को, पूरा टूर करवा देते, ठीक है चलो। ये देखो बड़ीस, ये है रोहा विलेज सिस्टम भाई। बस गई मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का वो है प्रवेश द्वार, मस्त बनाया है। देखो रोहा गांव में मजबूत वाला, ये आगे और भी चीजें हैं देखने के लिए रोहा विलेज में। ये गार्डन है, गार्डन के बगल में बस देखने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट एक नंबर है, वो सिंगम जैसी मूवी जैसा काम है यार, एक नंबर। रोहा देखो यहाँ लिखा है रोहा अष्टमी नगर परिषद, लिखा तो मैं रोहा गांव में। ये देखो विलेज, मतलब तो विलेज जैसा है लेकिन मस्त एकदम डेवलप है, एकदम गांव जैसा एरिया। अभी चलते हैं टैंकी फिल करवाते हैं क्योंकि टैंकी खाली हो गई है, इसी बार भी फिल करवाया था। यहाँ से हम लोग को मारना है राइट, राइट मार के हम लोग को अलीबाग तक खाली जाना पड़ेगा। ये देखो भाई, ये कोई रिवर है देख रहे हो, और इसमें सब लोग वहां कपड़ा धो रहे हैं, नहा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। रोहा गांव का ये रिवर जो है काफी गंदा लग रहा है लेकिन मस्त है, देखो सब लोग नहा रहे हैं वहां पे, एकदम एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो एवरीबॉडीज, अभी तो मैं रोहा गांव से थोड़ा बाहर आ गया हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना पड़ेगा अलीबाग तक, तो मैं सोचा कि अभी खाना खा लेता हूँ यहाँ पे। टिफिन तो मैं लेके आया हूँ लेकिन सोच रहा हूँ थोड़ा दही वही लेके खा लेता हूँ, चलते दुकान पे देखते हैं दही वही मिलता है कि नहीं। भाई यही है पूनम डेयरी रोहा गांव की, इधर दही लेते हैं फिर मस्त खाएंगे। तो फाइनली बड़ी सभी देखिए, मैं श्रीखंड लिया हूँ और पानी का बॉटल, दो चीज़ लिया हूँ, अभी मस्त खाएंगे और निकलेंगे यहाँ से टंकी फुल करवाने। टंकी फुल करवा के फिर अलीबाग, अलीबाग से फिर सीधा वेट करेंगे भाड़े का, फिर उसके बाद निकलने वाले हैं मुंबई। सभी
फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ, देखिए महानगर गैस यहाँ पे रोहा में, मेरे जस्ट सामने तो पहला नंबर ही है, वहाँ पे एक नंबर लगा है। तो मस्त CNG भरवाएंगे और उसके बाद खाना खाएंगे और ऑनलाइन आके खाना खाएंगे, क्योंकि भाई अगर ऑर्डर लग गया यहीं से तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे 40-50 किलोमीटर जो है वो वेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए टंकी फुल कराते हैं फिर खाना खाते हैं। इसको खाना है, आ जाओ बिंदास, रोहा में हो आ जाओ रोहा वाले। ये देखो महानगर गैस है रोहा का और मैं बस एक गाड़ी के पीछे ही हूँ। और वहाँ पे देखिए कितनी गाड़ियाँ लगी हैं, 1, 2, 3 गाड़ियाँ लगी हैं। मेरा दूसरा है, देखते हैं टिफिन में क्या है। ये तो मैंने श्रीखंड खरीदा है 35 रुपीज़ का, कौन से ब्रांड है भाई, चिटाले, इतना महंगा। और ये देखिए ये टिंडवर की भाजी है और ये रोटी। तो चलिए एंजॉय करते हैं फूड को मस्त और फिर निकलते हैं आगे। वेलकम बैक बडीज। तो जैसे मैं रोहा गांव से निकल रहा था, तो जैसे ही मैं आगे निकल रहा था वैसे मुझे कुछ ऐसा माहौल दिखा है, काफी मस्त लग रहा है, एकदम इंटरेस्टिंग लग रहा है। उस साइड जाके आप लोगों को दिखाते हैं और रिव्यू देते हैं। भाई महाराष्ट्र की वाइब तो मुझे इसमें ही दिखाई दे रही है और यहाँ धान की खेती हुई है, देखिए आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है। ये देखिए कुछ ऐसा नजारा लग रहा है बडीस, रोहा गांव के जस्ट आगे, कितना मस्त लग रहा है, एक नंबर भाई। मैंने कार यहाँ खड़ी की है, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से।